शाहपुर पुलिस ने 2 किलो गांजा, 315 बोर की एक देशी तमचा, जिंदा कारतूस तथा लूट की एक मोबाइल के साथ साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शल्लम माथुर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में मुखबिर की सूचना पर मोहनापुर तथा पवन विहार के मध्य स्थित पुलिया के पास चौकी प्रभारी झरना टोला की टीम ने लूट की घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध असलहा, गांजा और लूट की एक मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी मोहम्मद शहजादे पुत्र स्वर्गीय अजीजुल हक तथा तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित निजामापुर निवासी मुमताज अहमद पुत्र स्वर्गीय समीम अहमद के रूप में हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। सामने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अनुसार जो कार्रवाई अपराध प्रशासन के खिलाफ जारी रहे उसी क्रम में मोहनापुर और पवन विहार के लिए करने के दौरान जो सूचना प्राप्त हुई तो दो साथी अपराधी जो सूचना मिली उसके जब टीम गई वहाँ से शहजादे और मोहम्मद मुमताज नाम के दो अपराधी पकड़े उनके पास से NBBS का सामान दिया ढांचा इसके अलावा एक तमचा मिला इनके पास से कार्टून मिले और इसके अलावा एक लूट की मोबाइल जिसका मुकदमा शुरू में बचे उसका भी खुलासा हुआ सफल अनावर साफ अब तक और मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और इसकी जांच चल रही है और इन लोगों ने क्या क्या वारदात की ये लूट की मोबाइल इनके पास से मिली है कि लुटेरे तो नहीं है और अभियोजना के क्रम में और जांच के क्रम में और भी जरूरत प्लस है स्पष्ट हो इनके साथ और लोग हैं कि जो गिरोह है संगठित किए ही लोग हैं अभी ये अब जांच का विषय है इसके बारे में खुलासा नहीं कर रहा लेकिन अभी जो प्रारंभिक जांच में जो भी बातें सामने आई है कि इनका एक गिरोह जो कि खासकर सराय क्षेत्र में